आप आपस में क्या बातें कर रहे हैं जब से साथ हैं? आपस में वही बात नहीं रोज निकलेंगे, बताते हैं इनको जिसने किया हमारे फैमिली का सोच रहे थे कुछ। वैसे इतना टाइम साथ गुजारते तो उस वक्त क्यों नहीं सोचते थे वसीम? जब एक बार मैं सोचता था तो आपसे कहता था ना, आपको घर बुला के भी, अपने रूम में भी, ऑफिस में भी। उस वक्त आपको क्या लगता था कि क्यों नहीं पकड़े जाएंगे हम? देखिए अगर बंदे को यकीन हो तो मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं इनका भी यही कह रहा था, फिर तो आप गलत काम नहीं करें। तो कहीं बंदे को ये होता ही ना कि मैं निकल जाऊँगा इस सिचुएशन में से। आपको एचआर ने नोटिस भी दिया, उस वक्त ही बंदा संभल जाता है। कोई लालच? आपको ये अंदाजा है कि सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं? आपको शक भी था वैसे, आप बार बार कैमरे में देख रहे थे। मैंने उनको बोला था आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कहा सेफ साइड कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो ये मुझे बताएं, 7 साल का तजुर्बा आपके काम क्यों नहीं आया? एक्सपीरियंस है ना, ट्रस्ट तो मैंने जितना आप पे किया। हाँ, आपकी तो बस बात ही नहीं कर रहा मैं, आपने तो हमारा हमेशा किया, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। यार मुझे एक बात बताएं, घर की औरतों को इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी नहीं? अपनी बीवी के नाम पे पैसे मंगवाना, अपनी भाभी के अकाउंट में पैसे मंगवाने का सोचना, अपनी बीवियों से ये सारी बातें उनके नॉलेज में होने के बावजूद नजरें मिला के बात कैसे करते थे आप लोग? आप कहते थे ना वसीम कि अभी भी इनको भी जब आप कह रहे थे 35 लाख वाले मामले पे कि मैं किया, फिर नजर मिला के बात करें ना। मैं कसूरवार हूँ, मैं तो आपको पहले कहा कि मेरी गलती है साथ। वसीम आपने सोचा था कभी कि टीम सरेआम के जांबाज आपको देखते हैं कि यार वसीम सैयद आपकी तस्वीरें आपको आइडियलाइज करते हैं, बड़े शो के होस्ट हैं आप अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और हथकड़ियाँ लगी हुई होंगी ऐसे और बच्चियाँ बाहर रुल रही होंगी? किधर जाएंगे वो, सड़कों पे जलील होंगे ना आप सारी ज़िंदगी। अब मुझे आप बताएं, ये सारे पैसे आपने मिलियन भी कमा लिए होंगे, किधर खड़े हैं पैसे? सारे पैसे बचता ही नहीं है। क्या बरकत थी इनके अंदर? हाथ के हाथ खर्च हो जाता था, सेविंग हो ही नहीं पाती। एंड अगेन मैंने इनसे भी पूछा कि मुझसे क्यों नहीं, मैं तो सोचता था कि यार मैं इनके सामने मिसाल बन के खड़ा हूँ कि आपके ख्याल में एवरेज हर महीने का क्या खर्चा होगा मंथली और वो मिला के जो हम बीच बीच में करते थे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मेरी जात की तरफ से जो जाता था 4-5 लाख, 3 लाख, 4 लाख देते थे। अच्छा, मेरे पास किधर से आते थे ये पैसे? सैलरी से। और कौन सा जरिया है आमदनी का? कौन सी डोनेशन है? मैंने इस तरह की एनजीओ खोली हुई थी ये लोगों से पैसे? आपका तो बस कभी उन्होंने बोला ही नहीं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, अपनी जात से देता था हर महीने? जब अगली बात तो मैं कहता था तनख्वाह आएगी तो मैं पैसे भेजूंगा, तनख्वाह आती यानी मेरे पास उस महीने की तनख्वाह खत्म हो जाती थी, इसका मतलब तो मेरी कोई चीज़ आपको इंस्पायर नहीं कर सकी? और 6 साल इंस्पायर किए, 6 साल बिल्कुल सही थे, बीच के 2 साल आके। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वसीम और साजिद हर महीने मेरी जाती जेब से दिए जाने वाले तयशुदा 2-2.5 लाख रुपए तो मुख्तलिफ खानदानों तक पहुंचाते ही थे। इसके अलावा भी मेरी अपनी तनख्वाह से लाखों रुपए इन्हीं लोगों के तवस्सुत से हर महीने मुस्तहिक अफराद तक पहुंचते थे। मैं सोचता था मुझे देखकर, मुझसे सीखकर ये लोग राह रास्त पर रहेंगे, लेकिन मैं गलत था। अब तो ये अपने काम ही वो नहीं किया कि जिस पे चले कोशिश करने के लिए बेल हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह आसानी पैदा करे, मुझे पता है बाहर निकल के आपने मुझे ही सबसे पहले फायर मारा। नहीं, जस्ट आई नो दैट। तीन दिन सिर्फ जिसने मुझसे, जो एजेंसी वाले भी पूछते रहे, आपका नाम एक दफा भी नहीं लिया मैंने, पूछ सकते हैं आप? नहीं, अगर है तो लेना, नहीं आपका नाम था नहीं वो ये, मतलब कभी बुराई नहीं की, कल भी पूछते रहे कि मैंने मौका दिया आपको, कोई बुराई नहीं, कभी नहीं।